नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी जेंट्स प्रोजेक्ट में, लेडीज़ प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा रहेगा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 31 फंदे डाल लिए हैं और दो लाइन का बॉर्डर बना लिया है। डिज़ाइन सामने की तरफ से डलेगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। यह डिज़ाइन 12 लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है। बिगिनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब 5 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। एक बार लपेटा, एक बार और लपेटा, 2, 3, 4, 5। तो हमने 5 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुना। नेक्स्ट फंदे में हम सीधा बुनेंगे, सीधा बुना। अभी हमें इस फंदे को गिराना नहीं है, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, फिर इसी फंदे में एक बार और एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो ये हो गया 3 फंदे। फिर अभी हमें इसे गिराना नहीं है, ऊन को अपनी ओर करेंगे और फिर इसी फंदे में एक और फंदा। तो हमने 1 से 5 फंदे बना लिए, 1, 2, 3, 4 और 5। हमने 1 से 5 फंदे बना लिए। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 5 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। और 6ठे फंदे में 1 से 5 फंदा बनाना है। 1, ऊन अपनी ओर किया, 2, फिर इसी में एक और सीधा फंदा बना लिया, तो 3 हो गया। ऊन अपनी ओर किया, 4, और फिर इसी में एक और सीधा फंदा बना लिया, तो ये हो गया 5 फंदा। तो हमने 1 से 5 फंदा बना लिया। फिर नेक्स्ट डिज़ाइन, पांच फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब लपेटे हुए 5 फंदों को हम खोलेंगे। 5 फंदों को खोलेंगे और 5 फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा अब इसे गिरा देंगे। अब नेक्स्ट जो हमने 1 से 5 किया था उसे हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। लपेटे हुए 5 फंदों को खोलना है और 5ों को एक साथ लेते हुए 5 से एक कर लेना है। नेक्स्ट 5 फंदा, इन्हें हमें उल्टा बुनना है।
पांचों फंदों को एक साथ लेते हुए पांच का एक करना है। लास्ट फंदा है जिस स्टिच है इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। तो ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अभी ये जो हमने पाँच से एक किया है इसे हम स्लिप कर लेंगे, और जो एक से पाँच किया था उन पांचों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। पाँच से एक किए गए फंदे को हमें स्लिप करना है और एक से पाँच किए गए फंदे को हमें सीधा बुन लेना है। जैसे रिपीट पैटर्न, एक पाँच से एक किए फंदे को हमें स्लिप करना है और एक से पाँच किए गए फंदे को हमें सीधा बुनना है। पाँच से एक किए गए फंदे को स्लिप करना है और एक से पाँच किए गए फंदे को सीधा बुनना है। पाँच से एक किए गए फंदे को स्लिप कर देना है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, एज स्टिच इसे स्लिप कर लेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है। फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने चौथा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, और ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है। तो पांचवे लाइन में हम अपने तीसरे लाइन को ही दोहराते हैं, यानी एज स्टिच इसे हम स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट ये स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे भी हम स्लिप करेंगे और बुने हुए पांच फंदे इसे हम सीधा बुन लेंगे। पाँच से एक किए गए फंदे को हमें स्लिप करना है और एक से पाँच किए गए फंदे को हमें सीधा बुनना है। तो पांचवी लाइन में हम अपना तीसरा लाइन दोहराएंगे और छठी लाइन में हम अपना चौथा लाइन दोहराएंगे। अब ये डिज़ाइन का सातवां लाइन है और सामने से। तो एज स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे। अब जिस फंदे को हमने स्लिप किया था, अब इस फंदे से हमें पांच फंदे बनाने हैं। एक बनाया, उन अपनी ओर किया दो, फिर इसमें सीधा बुना तीन, फिर उन अपनी ओर किया चार, और इसी में एक और सीधा फंदा बना लिया तो पांच हो गए। अब ये जो पांच फंदे हमने बुने थे इन्हें हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। दो, तीन, चार, पाँच। हमने पांच फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लिया, और ये अब स्लिप किया हुआ फंदा था तो इसमें हम पांच फंदे बनाएंगे। एक बार सीधा बुनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे दो, फिर इसी में एक बार और सीधा बुनेंगे तीन, ऊन अपनी ओर करेंगे चार, और फिर इसी में एक बार और सीधा बुन लेंगे तो पाँच। अब ये पांच फंदे हैं, इन्हें हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। यानी हमारा पहला लाइन ही है, बस हमारा जगह बदल गया है। देखिए, अब जिस फंदे को हमने पांच से एक किया था उसे वापस हमें एक से पांच करना है। और बुने हुए पांच फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। और पांच से एक किए गए फंदे को एक से पांच करना है। एक, अपनी ओर किया दो,
तीन, चार, पाँच, पांच फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनना है। पांच से एक किया गया फंदा, तो इसे वापस हमें एक से पांच करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हमें सीधा बुनना है। हमारे डिज़ाइन का सातवां लाइन हो गया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का आठवां लाइन है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक से पांच किए गए फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। लपेटे हुए पांच फंदों को हम खोलेंगे और उन्हें एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए पांच का एक कलर गिरा देंगे। फिर एक से पांच किया गया फंदा, इसे हम उल्टा बुनेंगे। लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे और इन्हें पांच से हम एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। लास्ट फंदा एज स्टिच, इसे हम उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा डिजाइन स्पष्ट होने लगा है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, पांच फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। पांच से किए गए फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर पांच फंदों को सीधा बुनेंगे। पांच से किए गए फंदे को स्लिप कर लेंगे, पांच फंदों को सीधा बुना। स्लिप किया और पांच फंदों को सीधा बुना। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है। और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। इन्हीं छह फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने। ग्यारहवां लाइन नाइन्थ रो की तरह ही बुना जाएगा, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, बुने हुए पांच फंदों को सीधा बुनेंगे। और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को पूरी सिलाई में दोहराना है। बुने हुए पांच फंदों को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना। रॉन्ग साइड और बारहवीं लाइन, पहले फंदे को एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे, बुने हुए पांच फंदों को उल्टा बुनेंगे। और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को पूरी सिलाई में दोहराना है। बुने हुए पांच फंदों को उल्टा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। इन्हीं 12 लाइनों को हमें बार बार रिपीट करना है। देखिए फ्रेंड, इसी तरह हमारा डिज़ाइन बनता, इन्हीं 12 लाइनों को दोहराने से हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे डालेंगे, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, ये सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।